वर्ल्ड के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो करंटली तीन कंट्रीज ही हैं जो इन स्काई रूलिंग एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट कर रही हैं। पहली यूएसए जिसके पास है F-22 रैप्टर एंड F-35 लाइटनिंग 2, इसके बाद चाइना का J-20 एंड J-31 शेनयांग और रशिया का सुखोई 57। पर इसके साथ ही इंडिया की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स भी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर में पीछे छूटने के लिए तैयार नहीं है। लाइटवेट LCA तेजस की डेवलपमेंट से गेन्ड एक्सपीरियंस के साथ इंडिया का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर HAL एक बार फिर DRDO की नोडल एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जिसका LCA की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में क्रूशल रोल रहा है, जॉइंटली इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को डेवलप करेगी। HAL के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि AMCA का प्रोजेक्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ HAL क्लोज कोऑपरेशन में है। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग की 35-40% रिस्पॉन्सिबिलिटी HAL को दी गई है और बाकी डिजाइनिंग ADA द्वारा की जाएगी। उनके अकॉर्डिंग AMCA की डिजाइनिंग में कोई भी और पार्टनर इंक्लूड नहीं है। देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट फेज में प्राइवेट इंडस्ट्री को लाने के लिए भी काफ़ी उत्सुक है, पर प्राइवेट फर्म्स मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन फेज में ही पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, क्योंकि डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फेज काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और कोई भी प्राइवेट फर्म लंबे समय तक अपने फंड्स को लॉक करने से बचेगी। सो चांसेस यही हैं कि LCA की तरह सिर्फ ADA और HAL ही इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में शामिल होंगे। AMCA का कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन रिव्यू लास्ट ईयर दिसंबर में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद HAL अब कुछ सिस्टम्स को डेवलप करेगी और साथ ही 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड 4 साल का टाइम लगेगा। HAL के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग AMCA की स्टेल्थ शेपिंग कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइन भी मैच्योर हो चुका है और इसके इंटरनल सिस्टम्स पूरी तरह से तैयार हैं। सो प्रोटोटाइप के लिए मेटल कटिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ है। एयर डॉग फाइटिंग में स्टेल्थ का रोल बहुत अहम होता है। स्टेल्थ फाइटर्स पर एक स्पेशल मेटलिक कोटिंग की जाती है जो इन एयरक्राफ्ट्स को एनिमी रडार सिस्टम पर ऑलमोस्ट इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल बनाती है, जिसकी वजह से ये एनिमी एयर स्पेस में डीपली पेनिट्रेट करके एनिमी रडार्स, एयर बेसिस और कंट्रोल सेंटर्स को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। इस प्रकार बनाई गई एयर सुपीरियरिटी सुखोई 30, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एनिमी के एयर स्पेस में घुसने और हैवी कैजुअलिटीज के बिना रोड्स, रेलवे, एयरफील्ड्स, डीपूज और ग्राउंड फोर्सेस को टारगेट करने के लिए कैपेबल बनाती है। चाइना के साथ वॉर कंडीशंस में AMCA की डीप एयर स्ट्राइक्स तिब्बत के साथ चाइना के रेल और रोड लिंक्स को टारगेट करने में कैपेबल होगी, जिससे वहाँ चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की डिविजन्स को आइसोलेट किया जा सकता है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की 4 एडवांस्ड कैपेबिलिटीज इनको एक लीथल एयरक्राफ्ट बनाती हैं। पहली है स्टेल्थ, जिसकी वजह से जेट एनिमी रडार पर ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होता है। दूसरा, इसकी सुपर क्रूजिंग एबिलिटी, जिसकी वजह से फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स आफ्टर बर्नर्स यूज़ किए बिना सुपरसोनिक स्पीड्स पर उड़ान भर सकता है। आफ्टर बर्नर से एयरक्राफ्ट को ज़्यादा थ्रस्ट और पावर मिलती है, बट फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। सो ये फाइटर्स विदाउट आफ्टर बर्नर्स भी सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं। इसकी फोर्थ कैपेबिलिटी है इसका रडार। इसके पावरफुल रडार सिस्टम की रेंज फोर्थ जनरेशन फाइटर से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे यह दूर से ही एनिमी टारगेट्स को डिटेक्ट एंड एंगेज कर सकता है। स्टेल्थ मोड में AMCA अपने फ्यूल और वेपन्स को एक इंटरनल बे में कंसील कर सकता है, क्योंकि उन्हें ओपनली अंडर विंग रखने से रडार वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। स्टेल्थ मोड में AMCA का 20 टन का ऑल अप वेट इसे इंटरनल बे में छुपाए गए केवल 1.5 टन म्यूनिशंस ले जाने के लिए अलाउ करता है। नॉन स्टेल्थ मोड में एडिशनल 5 टन म्यूनिशंस एंड फ्यूल पेलोड को एक्सटर्नली और अंडरविंग स्टेशंस में कैरी किया जा सकता है। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स में AMCA टैंक्स में 6.5 टन फ्यूल ले जाने में कैपेबल होगा, जो एनिमी एरिया में 1000 किलोमीटर्स अंदर घुसकर टारगेट पर हमला करने और बेस लौटने के लिए काफ़ी है। नॉन स्टेल्थ मोड में AMCA अपना ज़्यादातर वेपन लोड अपने 6 एक्सटर्नल अंडरविंग स्टेशंस में कैरी करेगा।
इसके बाद एमका के इंजन की बात करें तो इसके सुपर क्रूजिंग इंजन की लोकल डिजाइनिंग और डेवलपमेंट डीआरडीओ के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। बट एमका के इनिशियल वेरिएंट में जनरल इलेक्ट्रिक का GEF-414 इंजन यूज़ किया जाएगा और यही सेम इंजन तेजस मार्क 2 में भी यूज़ किया जाना है। डीआरडीओ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग F414 95 से 98 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट जनरेट करता है बट इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस में मैक्सिमम 90 किलो न्यूटन्स तक की थ्रस्ट ही पॉसिबल है और इंडियन एयरफोर्स ने 220 किलो न्यूटन की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया है। सो उसके लिए 110 किलो न्यूटन के दो इंजन्स इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर को पावर देंगे। सो एमका एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के टाइम पर एमका को डेवलप करने के लिए $4 बिलियन का एस्टिमेट लगाया गया था जिसमें से मेजर फंडिंग इंजन डेवलपमेंट की होगी। 2015 में इंडिया ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी की को डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के साथ एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का सेटअप किया था बट 2019 में US के डिफेंस सेक्रेटरी एलन लॉर्ड द्वारा इंडिया विजिट के दौरान इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को स्क्रैप करने की बात कही गई जिसका रीज़न USA के एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज थे। सो एमका के इंजन की को डेवलपमेंट के लिए HAL अगेन किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप के लिए जाएगी और पॉसिबली फ्रेंच साफरन ग्रुप एमका के सुपर क्रूजिंग इंजन की डेवलपमेंट के लिए एक पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। पर अब एमका के ऊपर करीब 10 साल और अराउंड 400 करोड़ पुट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीअसाइन किया जा चुका है। एमका की सीरियल प्रोडक्शन HAL की नासिक डिवीजन में होगी जहां पर पिछले 20 साल से सुखोई 30 को असेंबल किया जाता था। लास्ट ईयर नासिक डिवीजन की इनॉग्रेशन की गई थी जहां पर पहले तेजस मार्क 1A की असेंबलिंग की जाएगी और अगले 5 से 6 साल तक यह नासिक डिवीजन तेजस के लिए बिजी रहने वाली है जिसके बाद ही एमका की प्रोग्रेस स्टार्ट होगी। अनंत कृष्णन के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 50% होल्डिंग EDA एंड HAL की और 50% प्राइवेट पार्टनर की होल्डिंग की प्रपोजल है बट अभी तक कोई सूटेबल प्राइवेट पार्टनर आगे नहीं आया है। एमका का कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन HAL करेगी बट सेंटर फ्यूजलेस की डिज़ाइनिंग EDA करेगी और प्राइवेट पार्टनर की सिलेक्शन के प्रोसेस की भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है बट कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसमें EDA और HAL की 50-50% ऑनरशिप होगी जब तक कोई प्राइवेट सेक्टर फर्म ज्वाइन नहीं करती।